बचपन की कुछ यादें। हमारे गांव में बिजली 1958 में आई थी। लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। वालिद साहब बहुत डिसिप्लिन माइंड वाले थे, मेहनती भी पूरे थे और पूरे कुंबे के वाहिद कफील थे। हर रोज मिट्टी के तेल वाली बत्ती का शीशा साफ करते और तेल डालते। दो लालटेन थी, एक हमारे पढ़ने के लिए और दूसरी खाना पकाने वाले कमरे में। इधर ही नीचे बैठकर खाना खाते। वालिद साहब का कोई बहन भाई नहीं था। जमीनों में बैलों से हल चलाते, गंदम काटते। चैत के महीने यानी अप्रैल में गंदम तैयार हो जाते और कटाई शुरू हो जाती। दरांती से गंदम काटते थे। गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। ये 1965 की बात है कि एक दफ़ा मैं मैट्रिक के इम्तिहान के बाद अपने वालिद साहब के साथ खेतों में गंदम काटने के लिए गया। मेरी छोटी उंगली पर दांतरी लगी, थोड़ा खून निकल आया। खून रुक गया और ज़ख्म भी ठीक हो गया। गंदम को खलियानों तक लाने के लिए बैलगाड़ी इस्तेमाल करते और बड़ी तरतीब से गंदम की फड़ी लगाई जाती। दो तीन जिम्मेदार मिलकर खलियान तैयार करते और बारी बारी गाह गाते। गाह के लिए गंदम की गुड़ियां दांतरी से खोल कर दरमियान में ढेर लगाते, जिसको गिरा कहते थे। फिर साथ साथ जोड़ियां बैलों की लेकर आते और गंदम गाते। शाम को बैलों की दौड़ भी होती थी। फिर तरेंगलों से सारी गंदम इकट्ठी की जाती और भूसे को हवा में उड़ाया जाता ताकि दाने एक तरफ निकल आए और भूसा एक तरफ जमा हो जाए। उस जमाने में मस्जिद में नहाया जाता था। शाम को सभी लोग मस्जिद में नहा धो कर आते और खाना खाते और हलवा तैयार होता। सब मेहमान आते और खाना खाते। खाना ज़मीन पर नीचे बैठकर खाया जाता था। नीचे ज़मीन पर बोरियां बिछाकर ऊपर बैठ जाते। खाना सादा होता था, सूजी का हलवा और माश की दाल और तंदूर की रोटियां। थके हुए सभी लोग चार चार प्लेटें हलवे की खा जाते थे और छः छः रोटियां खाते थे। दूसरे दिन त्रेंगलों से धड़ उड़ाई जाती थी। दाने एक तरफ और भूसा एक तरफ हो जाता था और फिर गंदम बोरियों में डाली जाती थी। गुसलखाने मस्जिद में था और दरवाजे नहीं थे। खंगूरे से घंटी का काम लिया जाता था। उस जमाने में हॉस्पिटल में कोई पैदा नहीं होता था, सबकी पैदाइश घरों में होती थी। गांव की दाई ये सारा काम करती थी। डब्बे का दूध नहीं था और ना ही पैंपर वगैरह होते थे। कैसी सादगी थी। लैट्रीन खेतों में थी। नहाने के लिए मस्जिद जाना पड़ता था। कपड़े धोने के लिए कोरंग में माएँ बहने जाती थीं। उस टाइम जरी ज़मीनें और चराहगाहें थीं। दरख्त आम थे, ठेले और बड़े बड़े तालाब होते थे। मवेशियों के लिए खुली जगह थी। पानी के टोए टिब्बे बहुत थे और हम खुली जगह खेलते कूदते। हमारा खेल का मैदान मीलों तक फैला होता था। हंसते खेलते दिन गुजर जाता, शाम को घर लौटते थे। दोपहर को एक लड़का जाता और सारे घरों से रोटी लेकर आता। किसी के चावल, किसी की सब्जी, दाल, प्याज, लस्सी वगैरह सभी रोटियों में होता था। सारे घरों से माएँ रोटियां इकट्ठी करके सभी के कपड़ों में बांध कर दे देती थी। सारे इकट्ठे चादर पर बैठकर खाते, एक दूसरे का सालन भी चख लेते, खाना शेयर करते। फिर कोई शीशम के दरख्त पर चढ़कर पोटोहारी बैत बोलते। ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को बारी के लिए बुलाया जाता था। कभी गुल्ली डंडा क्रिकेट खेलते थे और बहुत सारे देसी खेल खेलते दिन गुजर जाता था। कभी स्कूल की छुट्टियों में या स्कूल से वापस आकर लस्सी मक्खन से मकई की रोटी खाकर मवेशी खोलकर चरागाह में ले जाते। अकेले में भी मवेशी चराने से बहुत सुकून मिलता था। जंगल की तन्हाई में ज़्यादा खुश होते। वो दौर एक सादगी और मोहब्बत का दौर था।
न जाने वो दिन कहाँ चले गए। वो बचपन के हसीन पल आज भी बहुत याद आते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की बचपन की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। वहाँ आपको बचपन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिन्हें देखकर आपको आपका बचपन याद आ जाएगा।